का कौन है सर? जी नमस्कार मैडम, 2 मिनट के लिए समय चाहिए आपका, दे सकते हैं? हाँ रुकिए रुकिए, अभी बात करें, रुक जाए भाभी थोड़ा देर, बस 2 मिनट के लिए समय। बोलिए ना सर, आज खाना कहाँ नहीं बनाया मैडम? रसोईया लगे तबियत खराब है। कई गो रसोईया रखे हैं? 3 गो। तीनों आदमी के एक ही बार तबियत खराब हुआ? आजकल मौसम वही चल रहा है, तीनों। एक आदमी आया था। अच्छा, एक आदमी आया था, उनका लड़का है वहाँ पर भी है। अच्छा, एक मिनट मैडम, एक बार में 3 लोग को कैसे तबियत खराब? 2 लोग तो बना सकते हैं। हाँ हाँ, तो फिर 2 लोग को क्यों नहीं बुलवाया? सचिव साहब से हम फोन करके बुलाए हैं। एक आदमी साहब का नाम क्या है? साहब जादो। क्लास कितने बजे लगता है मैडम? क्लास को आप नहीं जानते हैं? बच्चा लोग हमको बताया है ना, कई बजे लगना चाहिए क्लास? कहा बताया है सब बच्चा? आप बताइए ना, तब ना। नहीं आप नहीं जानते हैं? नहीं जानते हैं, हमको नहीं पता है। तो हमको भी नहीं पता, चलिए हटिए इधर। ये देख लीजिए, बच्चा लोग का आरोप है, अब 12:30 में लंच हुआ है, 1:30 बजे से ऊपर हो भी गया है, अभी हम लोग खाने के बाद क्लास लगा है, खाना नहीं बना है। प्रधानाध्यापक हमको बोल रहे की चलिए चलिए साइड लगिए, साइड में रहेंगे तो बात करेंगे आपसे। साइड हमको भगा रहे हैं ना? भगाएंगे क्या आप हमारे अतिथि? आप हमारे अतिथि हैं, आप हमको काहे भगाइएगा? हम आपको काहे ना भगाएंगे? सवाल है, 4 सवाल का जवाब दे दिए, हम चले जाएंगे। आपको हम भगाए थे ना, बैठने के लिए बोल रहे हैं, कोई आएगा तो हम भगाएंगे। 4 सवाल का जवाब दे दिए मैडम। तू वीडियो मारो तो करे, 2-4 लाते हो। ये देखिए देखिए, एक बच्चा है उसको डांट रही है मैडम। का छेला है तो हम रहुआ के नानू डटल जाई। ठीक है ठीक है, तो 4 सवाल का जवाब दे दीजिए हमको बस। हां बोलिए, आप लोग जाइए क्लास करने, जाइए सारा बच्चा, आप लोग जाओ भाई। मैडम यहाँ पे खेल का सामग्री का भी व्यवस्था नहीं है अब तक? सुनिए, बीटीए में है, हम नहीं है बीटीए में, कोई दूसरा टीचर है, वो है सतवरिया के सर, और हम गैर आवासीय है, मैंने अभी तत्काल यहाँ का व्यवस्था के देख रेख में प्रभार में है, मान के चलिए ना। नहीं बीटीए रुपया पैसा के प्रभार में हम नहीं है, यही बात है। रसोईया एक आई थी, 2 नहीं आई थी, तो हम भेजे हैं सचिव साहब पर फोन किए हैं, वो गए हैं उनके, तो एक दवा खा कर सोई थी और एक आदमी दवा खाने जा रही थी। अबे देख लीजिए, देखिए स्टॉक में पड़ा है कि नहीं। बच्चा लोग यहाँ तक का उस लोग का आरोप है कि फल भी बराबर नहीं मिलता है, कभी कभी मिलता है, ये सब झूठा बात है। बच्चा लोग झूठ बोल रहे हैं कि यार पूछिए, वो कई महीना से बिल्डिंग बनवा रहे हैं, ये तो कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उनसे काहे पूछेंगे, काहे पूछेंगे उनसे, हम आपसे ना पूछेंगे? हाँ हमसे पूछिए, फल दिला नहीं, ये झूठा बात है, हर सप्ताह झूठ नहीं बोल सकता। अरे सुनिए, ये बात आपको मालूम है मैडम? सुनिए, हमको भी पूछना, सुनिए एक मिनट, एक और बात, और हम भी पूछेंगे, पूछिएगा एक मिनट, इसमें से बहुत सारा बच्चा, सुनिए सुनिए ना, एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरा सुनिए, बहुत सारा बच्चा होगा जो घर से खाना खा के सुबह में नहीं आता है, उसके घर खाना नहीं रहता है, तो सोचा 1 बजे जो खाना होगा खा के, फिर हमारा भी बात सुनिए, लोग नहीं बनवाते होंगे तो इस बच्चा लोग का क्या हाल होगा? सुनिए सुनिए थोड़ा सा, ये छुट्टी हो गया मैडम? नहीं सुनिए ना मैडम, छुट्टी हो गया? नहीं, ये लोग का सामूहिक क्लास चल रहा है। अच्छा बताइए, 1 से 10 तक क्लास यहाँ पर चल रहा है, सरकार कई ठो टीचर दिया है? कई गो टीचर है? 5 आदमी। कई आदमी आए हैं? सब लोग आए हैं। सब लोग आए हैं, फिर क्लास लेट से क्यों लगता है, खाना क्यों नहीं बनता है? नहीं खाना आज नहीं बना है, रसोईया सबका तबियत खराब है, नहीं तो पूरा रिकॉर्ड है, पूरा पंचायत 3 रसोईया, 3 का एक बार, सबसे बड़ी खबर है कि 3 गो रसोईया और 3 में एक भी नहीं आई है। आपसे पहले ही बात हम बोलते हैं, एक आदमी छुट्टी में जाए, 2 आदमी आए, तो एक आदमी आया था तो 2 आदमी के घर खबर गया है, तो एक आदमी दवा खाकर सोया था, एक आदमी कि ना बाबू आज छोड़ दो। अच्छा एक मिनट, अगर आपके बच्चे को कोई बोले बिना खाए रहिए, कितना देर रखिएगा अपने बच्चे को? अपने बच्चे पर सोचिए, दूसरे का बच्चे का तो आप नहीं बताइए, नहीं अपने ये लोग बच्चों का दर्द आप नहीं समझेंगे, बिना खाया होगा तो अपने घर जाके खा लिया, काहे घर जाके खाएगा? युग में बाबू ये भी सुनिए, आज के युग में किसके यहाँ खाना और कपड़ा का तकलीफ है? किसी के तो खाना का पैसा मत मंगवाइए, लोग बंद करा दीजिए खाना, हम लोग चाह रहे हैं लेकिन सरकार बंद हो जाए, मैं भी सरकार से बोलता हूँ, खाना का पैसा आप लोग मत भेजिए, और उस पैसा को डायरेक्ट ही बच्चों सबके अकाउंट में पैसा भेज दीजिए। बहुत अच्छा होगा, आपसे निवेदन है कि आप ये लागू करा दीजिए, तो हम आपके अपने तरफ से 5,000 रुपया आपको मिठाई खाने के लिए देंगे, जाइए आप हमसे भेंट करिएगा, अगर बंद हो गया ना तो आपको हम मिठाई खाने के लिए देंगे। ये बंद होना चाहिए, प्रधानाध्यापक का भी आरोप है, बंद होना चाहिए, ये बहुत बड़ा शिक्षा लोग का प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये मध्यान्ह भोजन चला करके, ये क्या समझते हैं, हम लोग का प्रतिष्ठा चला जाता है इससे?
मध्याह्न भोजन से। हाँ मान लीजिए कि आज नहीं बनता तो अब आते हम, हमारे पास पूछने आसने नहीं आते। और जब आ रहा है तो बनवा देने में क्या दिक्कत है? तो दोषी रसोईया नहीं तो मास्टर बनाया गया। तबियत नहीं खराब होता है अब, अच्छा तीनों आदमी का तबियत खराब हो जाएगा। हाँ तीनों आदमी यही बोला है, झूठ बोल रहा है लोग सारा सर झूठ। आप कौन है सर? आप कौन है? और जाइए पता कीजिए। आप क्या नाम है सर? कुछ नाम है क्या है? कुछ नहीं है। की कौन है? कुछ नहीं है क्या? आपका नाम क्या है भैया? तो नाम बता सकते हैं? विकास नाम है। कहाँ घर है? यही पे घर है, बसंतपुर। मैंने तीनों आदमी का दिक्कत नहीं खराब है? अरे भैया तो घर जाकर प्रत्यक्ष रूप से देख लेवा तो समझ में आ जाए ना। तो घर जाके थोड़ा देख लीजिए, हम लोग स्कूल में आएंगे, स्कूल में खाना नहीं बनेगा तो स्कूल में आएंगे कि जो बनाने वाला उसके घर जाके देखेंगे ना। तीनों आदमी को हम बुलाए हैं, वो एक आदमी आया था, दो आदमी नहीं आया। दो आदमी तो आसानी से बना सकता है, अगर एक आदमी का तबियत खराब है तो इसलिए ना तीन आदमी। ये बात हम समझ रहे हैं, बार बार उन लोग को बोला जाता है कि एक आदमी अब्सेंट करिए, दो आदमी आइए। तो दोनों आदमी सचिव साहब उन लोग के घर गए हैं। हम लोग यहाँ बसंतपुर गाँव में आए तो खिचड़ी नहीं बना हुआ नहीं बना था। इसके बाद नहीं आते तो लोग तो कितना दिन नहीं बनता होगा। अब बताइए, आप ही का वीडियो एक वायरल हुआ था जो चना कुछ झोला में लेकर जा रही थी, आपका वीडियो वायरल हुआ था पता है? वीडियो है आपका? क्यों चना लेकर जा रही थी? बच्चा सब लेके आया, वो दूसरा मैटर था। ये बात को टाल मटोल कर रही है। आज क्या क्या बनाना था? दाल भात सब्जी। क्या चीज का सब्जी बनाना था? आलू गोभी चाहे छीली सब्जी है। अमर नाम सब्जी, अमर नाम के लड़का का बोला गया था, गांव से वही लाता है। तो लाया है? नहीं लाया, नहीं लाया, सचिव साहब भेजवाए होंगे। तो दिखवाइए, भेजवाए होंगे इनको, खुद कंफर्म नहीं है, आपको कंफर्म नहीं है, भेजवाए होंगे। नहीं तो बोले हैं तो फोन कर देते, मतलब बनाने के पलाने में ही नहीं थे पहले से ऑलरेडी है। अब सोचिए कि अगर ये देख लीजिए किस तरीके से आजकल के सरकारी स्कूल में ड्रामा हो रहा है, और यही तक नहीं जो भी सरकारी काम होता है वहाँ। और इन लोगों की क्या गलती? इन लोग का भी कोई गलती नहीं है मैं मानूंगा तो, इन लोग का भी गलती नहीं, इन लोग का भी समस्या ही है। बुला कर नीतीश के हो, ओकरा माई के कहीं ना कहीं समस्या है। और बाकी मेरा प्रयास इस स्कूल से कैसा लगा, और जो भोजन नहीं बनता इस स्कूल में और आज नहीं बना, इन बच्चों लोगों को क्या होगा थोड़ा सा दिखा दीजिए, इसके बारे में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद। सुनो बाबू।